अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपना सेकंड पार्ट में मैं आपका, जिसमें मैं बताऊँगी आज आपको कलर कैसे मिलाना है और कपड़े को हम कैसे सेट करेंगे उसमें पेंटिंग करने के लिए। तो आइए मैं शुरू करती हूँ आपको ये देखिए दोनों जो है वो एक दूसरे से ऐसे चिपका हुआ होता है। अब हम इसकी हेल्प से इसे दोनों को अलग करेंगे। ये देखिए दोनों ऐसे हम इसे दोनों को अलग कर लेते हैं। ये रहा, हम इसी की हेल्प से इसे खोलेंगे धीरे धीरे ऐसे इसके ढक्कन को। ये रहा, ये मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर में ऐसे चिपका हुआ है ये कलर, इसे हम बाहर अच्छे से सारा निकाल कर इसमें डालेंगे। हम ये टूटे हुए ब्रश की जो डंडी है उसे हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसे घुलने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप अच्छे से इसे लगातार हिलाते रहिए अच्छे से। लगातार इसी तरीके से हम इसे मिलाएंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये, अभी पूरी तरह से रेडी है। ये देखिए ये रहा हमारा एल्यूमिनियम पेंट रेडी है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। आइए अब हम कपड़े को सेट करेंगे बनाने के लिए। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगी
घरेलू जुगाड़। ये रहा एसी का बॉक्स जिस पे मैं रख कर कपड़े को मैं बनाऊंगी, पेंटिंग करूंगी। मेरा बोर्ड जो है वो टूट चुका है, तो जो घर में है मैं उसी जुगाड़ से अपना पेंटिंग का काम पूरा करूंगी। मैं आपको बताती हूँ अब मैं इस पे कपड़े कैसे लगाऊंगी। इसे मैंने ऐसे दीवार में इसे ऐसे सेट कर दिया है दीवार में। ये देखिए इस तरीके से मैं कपड़े को इसमें अच्छे से सेट कर चुकी हूँ। मैं इसलिए ऐसे सेट करती हूँ, मैं फ्रेम में इसलिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे बनाऊँगी तो कलर कपड़े में गिरने का कोई भी डर नहीं रहेगा। मैं आराम से इसमें बैठकर अपना पेंटिंग काम पूरा कर सकती हूँ। आप चाहें तो फ्रेम में सेट करके भी बना सकते हैं, पर मुझे ऐसे बनाना ठीक लगता है इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ। आगे पार्ट में आपको बताऊँगी। आज मैं यहाँ तक आपको कपड़े को सेट करना यहीं तक ही बताती हूँ, आगे फिर मैं बताऊँगी आपको कलर करना। तो शुक्रिया फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे मेरा वीडियो देखिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।